उसके अब्बू की मौत, फिर 2 साल तक मैं कुछ बोल नहीं सकी। तुम लोगों के अलावा उसका कोई दोस्त भी तो नहीं है, किसी से मिलता ही नहीं। वो इतनी आसानी से किसी पर भरोसा नहीं करता। वो कहता है तुम सब लोगों के लिए बड़ा घर, बड़ी गाड़ी और अपने लिए पुत्र, तो कहता है मेरी माँ है मेरे पास और तुम सब लोग। तू सच कह रहा है, मेरी बड़ी फिक्र रहती है उसे। मैं खांसती भी हूँ तो उसे पता चल जाता है, भागा भागा आ जाता है सब काम छोड़कर। मुझे तो काम ही नहीं करने देता। कहता है अब्बू ने नहीं करने दिया तो मैं क्यों करने दूँ। उनकी मौत के बाद 2 साल तक मैं भी कुछ नहीं कर सकी। अयान ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, पेपर बेचा, गैरेज में काम किया और रात दिन मेरी खिदमत की। उसे पढ़ने का बहुत शौक था, पर मेरे लिए उसने पढ़ाई भी कुर्बान कर दी। अगर मैं कुछ कहती तो कहता अबू से वादा जो किया है उन्हें क्या जवाब दूंगा। वो उसके सबसे अच्छे दोस्त थे, उन्हीं से अपने दिल की बात किया करता था। बेटा तुम लोग उसका साथ मत छोड़ना। नहीं आंटी, बिल्कुल नहीं। वक्त आने पर आयन भाई के लिए अपन लोग अपनी जान दे देगा। जरा देख तो सही, यहीं कहीं रुस्तम जी पार्क में तो नहीं। जाने क्यों है आज भी उससे बिछड़ जाने का गम, जाने क्या सीने में है टूटा हुआ छुपता हुआ। अक्स बेपैकर था और हैरत तमाशा में न थी, आईना टूटा था और तस्वीर होना था मुझे। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं, मैं एक खूनी हूं ना, एक मुजरिम। मैं हमेशा आपको अपने अब्बू की वादी की तरह याद रखूंगा। हाँ अकरम सेठ, अकरम सेठ, ही विल कॉल यू इन टाइम, डोंट वरी, मैं हूं ना। अरे तेरे को मालूम अपना धंधा बढ़ गया है फिर, और फिर ये हीरो ना, इसका कोई भरोसा नहीं है। तुझे पता है ना, मैं दुबे भाई का भी काम करता हूँ, मलेशिया भाई का भी काम करता हूँ, और फिर साले ये टी इंडस्ट्रियलिस्ट और पॉलिटिशियन, ये भी साले लाइन लगाए पड़े हुए हैं। अभी क्या भी डिमांड बढ़ गई है, और तुम्हारा ये हीरो कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, मैं क्या करूं? देखिए अकरम सेठ, यू डोंट हैव टू मेस अराउंड विद हिम, ही इज नॉट अ स्ट्रीट बॉय, पढ़ा लिखा लड़का है वो। हीरो बहुत हो गया तेरा ड्रामा, समझा? तुझे काम करना, काम कर, नहीं तो छोड़ दे। साला क्यों की तरह इंतजार कर रहा हूं तेरा, हीरो अब आएगा तब आएगा, तेरा कोई कांटेक्ट नहीं, कहां लूटूं तुझे? आप टेंशन क्यों लेते हो, मैं भी तो बस आपके ही काम का इंतजार करता हूं। समझा करना यार, तू टच में रहे ना, फिर देखना एक बाहर विदेश एक पार्टी आई अमेरिका की, तेरे को बहुत होशियारी से काम करना है। आकर प्लान ले ले और पेश की भी, ठीक है ना? बेटा, अल्लाह ने अगर आपको पैसे दिए तो उनकी किताब जरूर छपवाइएगा, उनकी रूह को तस्कीन मिलेगी। बड़ी मेहनत से लिखी है उन्होंने ये किताब। बस अल्लाह मुझे मेरे मकसद में कामयाब करे, आमीन।
अगर आप सचमुच अपने अबू के रास्ते पर चलें, तो आपको दीन दुनिया दोनों हासिल हो सकती हैं। अयान, आपके अबू को आपकी बहुत फिक्र थी। कभी कभी तो वो मुझे नींद से जगाकर कहते, अमीना, कभी कभी लगता है कि मैं ज्यादा दिन नहीं रहूंगा। अमीना, अयान को सच्चाई के रास्ते पर रखना, उसे समझाना कि कोई भी काम बड़ा छोटा नहीं होता है, इंसान कोई भी बड़ा छोटा नहीं होता है। उसे कायनात की सारी चीजें बताना, उसके कानों में ऊपर वाले की बातें डालते रहना। कहते सारी कायनात हमारा मुल्क है और इंसानियत हमारी शहरियत है। क्यों लोग अपने माँ बाप औलाद को छोड़कर दूर सरहद पर जाते हैं, वो भी अपने भाई बहनों का खून बहाने, ये कहकर कि वो कोई और है, उनके पास किसी और मुल्क की शहरियत है, वो भी किसके लिए? एक हुक्मरा की खुशी के लिए, एक सियासतदान की कुर्सी के लिए? क्यों तुमको इतनी बात समझ नहीं आती कि उनकी खुशी के लिए आप अपनी बीवी, बच्चे, माँ बाप और पड़ोसियों के खून पर चल कर जाते हो? कहते अगर एक आदमी दूसरे आदमी से डर निकाल दे और जो पैसे इंसान एक दूसरे के खौफ के लिए सर्व करता है, अगर वही दौलत इंसानियत के लिए लगाए, तो यही दुनिया जन्नत बन जाएगी। अमीना, जितना हम आयान को, आपको, इस चौल को, इस मोहल्ले को, अपनी मुंबई शहर को, इस मुल्क से प्यार करते हैं, उतना ही हम दूसरे की औलाद को, उनकी इमारतें, उनके संसार, उनके शहर, उनके मुल्क से प्यार करते हैं। और फिर खामोश हो गए। हंसाए खुश्क आंखों को बहुत गम तूने, खुशी बेनिहायत दे, रुला दे मुझको। वालेकुम सलाम, बैठो। ये कॉन्टैक्ट है, इसे देख लो। और ये है तेरी पेशगी। सेठ, आप ये पैसा रख लो, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, बाद में आकर ले लूंगा। ठीक है सेठ। गोली एमडी, अभी अपने को दूसरा हीरो तलाश करना पड़ेगा। ये हीरो का लास्ट असाइनमेंट है। सॉरी बोला, पता है अयान भाई कहते है तो तुम्हारा अयान भाई है ना, सचमुच का हीरो है। अयान भाई, मन्नू सही कहता है। और है ना अयान भाई, उसने है ना मुझे बड़ा पाव और चाय पिलाई। चुप, रेडियो मिर्ची, चाय पिलाई। अरे क्या बोला सर, समझ में नहीं आता क्या? तू क्या रखे कान के नीचे है, सारा शाला बनता है। शेट्टी ने बोला था तेरे को हफ्ता पहुंचा दिए। इसे कुछ मत देना। ए पवार, तू अभी धंधा बंद करा, तेरा बोध हो गया है। ए चुपचाप बैठ उधर,
साला हरामी क्यों ना ज्यादा बोला दीदी ठोका लूं वहां। बवाल, गाली किसको देता है? तू सचमुच का हीरो है। अगर तूने अकरम भाई की जान ना बचाई होती तो आज ये अकरम भाई तेरे सामने ना बैठा होता। ए हीरो, अपने कंपनी के लिए काम करेगा? एडवांस है हीरो, अपनी फिल्म का साइनिंग अमाउंट है तेरे लिए 1000 के 100 नोट। बेटे, अगर एक डाकू वाल्मीकि बन सकता है तो क्या वाल्मीकि डाकू नहीं बन सकता? ये मेरी जिंदगी का पहला खून था। मुझे नहीं मालूम था कि एक खूनी की जान बचाकर मैं खुद एक खूनी बन जाऊंगा। शायद यही मेरी किस्मत थी। अल्लाह, तू बेहतर माफ करने वाला है। जब इतनी देर हो गई थी तो कशिश के यहाँ रुक क्यों नहीं गई? हमेशा रात में देर से आती हो, वक्त से आया करो। पता नहीं लोग क्या क्या सोचते होंगे। मामा, जवान लड़की रात रात भर कहाँ रहती है? मामा, लोगों को जो बोलना है बोलने दो और सोचने दो जो सोचना है। मैं अच्छा या बुरा काम लोगों के लिए नहीं करूंगी, समझी आप? गुल, समाज की अपनी अहमियत है। हर जगह अच्छे बुरे लोग हैं। समाज हजारों साल की परंपरा है। आप इसे अपने कन्वीनियंस के लिए बुरा भला नहीं कह सकती। मामा, आप कितनी भोली भाली हो। मैं समाज को अच्छी तरह से जानती हूँ। अकेली हूँ, जवान हूँ, अकेली बाहर जाती हूँ, लोगों से मिलती हूँ। मुझे नहीं पता कि लोग कैसे हैं। तुम्हारी मजाल कैसे हुई कि तूने एक इनोसेंट आदमी का खून मुझसे करवाया? मित्र, दिमाग खराब हो गया क्या? जाकर पूछ अपने उस बाप की कोष्ठा से। साला उसी ने काम दिया तुझे। बास्टर्ड, सेड आई विल किल यू बास्टर्ड। तेरे दिमाग से काम करो, मेरी कंपनी बंद हो जाएगी। हटा दे बंदूक, कर दे इसको। सबको मार दूंगा, वो डी कोस्टा को भी मार दूंगा। कोई नहीं बचेगा मेरे हाथ से। चाचा, अगर आप कहो तो मार दूं इसको। उड़ा दे इसको। क्या हुआ अकरम भाई, मैं जाकर उड़ाऊं साले को? अरे वकार काफी है साला, अकरम भाई को धमकाता है। निकल गया साला। आ!
भाई, वो हीरो ने वो कार को गोली मार दी अक्रम भाई। साला पागल हो गया है वो साला कुत्ता। कौन सेट? वो तेरा हीरो भाई, साला किसी का पनीरा, साला मेरे को गाली देता है, बोलता मैं बास्टर्ड हूं। साला बड़ा आदर्शवादी खूनी बनने चला है, तेरे घर पे आ रहे तेरे को मारने के लिए, देखते गोली मार दे रहे साले को। What's the problem? सर, मैंने आपसे वादा लिया था ना, और अक्रम सेठ से भी, कि मुझसे किसी बेकसूर आदमी का खून नहीं करवाएंगे। ये अक्रम सेठ कहता है ये आपको मालूम था, फिर आपने ऐसा क्यों किया? नहीं हीरो, do you believe him? ये अक्रम सेठ की चाल है, वो एक ही वार में हम दोनों को उसके रास्ते से अलग करना चाहता है। Yes sir, I understand him. He is using us against each other. सही समझ।